हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला है टिप, ये जो सेफ्टी पिन होता है, आप देख पा रहे होंगे जो सेफ्टी पिन होता है, इसको हमें ऑर्गेनाइज करके संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको संभाल के ऑर्गेनाइज करके नहीं रखें तो इसके बिना हमारा काम अधूरा है, क्योंकि जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो हमें इस तरीके का पिन चाहिए ही चाहिए हर हालत में। अब देखिए, ये मेरे पास एक डिब्बी रखी हुई थी, मेरा बेटा स्पिनर लाया हुआ था, तो स्पिनर तो उसने चला चला के तोड़ दिया, लेकिन ये जो डिब्बी है ना, ये छोटी सी डिब्बी है पर ये बहुत ही काम का है, काफ़ी कम्फर्टेबल भी है, मजबूत भी है। तो जितना सेफ्टी पिन है, अब मैं इसके अंदर रख के इसको अच्छी तरीके से बंद कर दी हूँ। अब देखिए, ये जो सेफ्टी पिन है, आप अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं या कहीं शादी में जा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो इसको अपने साथ ले जा सकते हैं, किसी कोने में पर्स में डाल दीजिए, बहुत ही काम का टिप है। या फिर इसमें एक आप देख पा रहे होंगे, ये हैंग करने का है, जिसमें एक सेफ्टी पिन लगाइए और सेफ्टी पिन लगा के आप इसको कहीं भी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास इसको हैंग कर दीजिए। यकीन मानिए, ये जो डिब्बी में है ना, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका जो हैंग है ना, ये डिब्बी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, परफेक्ट है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ज़रा सी भी ट्रिक पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, ये जो सेव होता है, सेव खाना किसको नहीं पसंद है, तो देखिए दोस्तों, ये जो सेव होता है ना, इसका काटने का कुछ अलग तरीका होता है। अब जैसे ये जो बीच वाला पार्ट है, हम इसको निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा पीस में भी निकलता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है, तो मैं आज आपको सेव काटने का बहुत इजी और आसान तरीका बताने वाली हूँ। जो ये बीच वाला पार्ट रहता है, इसको कोई भी खाना नहीं पसंद करता है, और पहली बात इसको खाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, बच्चे इसको सेब को बिल्कुल भी नहीं काट पाते हैं। अब काट भी लेते हैं तो बोलते हैं, मम्मा इसको बिल्कुल ही बीच वाला पार्ट अलग करो। तो दोस्तों, बच्चे भी इसको काट सकते हैं सेब को, बस देखिए टमाटर की तरह इस तरीके से गोल गोल आकार में काट लेना है। और काटने के बाद मैं इसको बताती हूँ कि ये बीच वाला पार्ट मुझको कैसे निकालना है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फॉलोअप जरूर कीजिएगा। अब देखिए, हम सभी के पास इस तरीके की जो मेजरमेंट एमल वाली दवाई होती है, ये मैं फेंकती नहीं हूँ, जब भी मैं एप्पल काटती हूँ इसी तरीके से काट के, और ये जो एप्पल है बीच में, ये जो बीज वाला पार्ट है, इसको मैं इसी से ही निकालती हूँ। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी वाली बोतल है, पानी वाली बोतल की कैप है, तो अब ये देखिए थोड़ा सा छोटा है, अब देखिए बहुत इजीली तरीके से निकल चुका है। अब ये इसमें से भी बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, हल्का से इसको प्रेस करेंगे तिरछे होगा, ये बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। या तो पानी वाले बोतल से काट लेना है, या तो ये जो दवाई का ढक्कन है इसकी हेल्प से भी काट सकते हैं, लेकिन बड़ा लेंगे ढक्कन तो इसका जो एप्पल का मेजरमेंट है ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसीलिए छोटे आकार से मुझे काटना है। अब देखिए, चाहे तो आप और भी जो मेडिसिन की दवाइयाँ की ढक्कन होती है, जैसे कि एल्युमिनियम वाले जो ढक्कन होती है ना सीरप वगैरह की, वो भी ढक्कन ले सकते हैं, क्योंकि उससे और भी कम निकलेगा। तो दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है, ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। चाहे तो आप जो सेब का ये पतला पतला स्लाइस मैंने काटा हुआ है ना, इसको और भी पतला काट सकते हैं, आपको थोड़ा बीच वाला पार्ट निकालने में आराम रहेगा। तो मैंने तो काफ़ी मोटा मोटा काटा है अब, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत इजीली तरीके से निकल भी जाता है। तो चलिए, इसी तरीके से मैंने जितना काटा हुआ था इसको निकाल ली हूँ, और निकालने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे ये सीयू का देखने में लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। अब इसको बच्चे तो क्या, बड़े भी इसको बहुत ही चाव से खाएंगे और बहुत खुशी से खाएंगे। अब देखिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस टिप और ट्रिक को आप बहुत इजीली तरीके से इसको ईजी कर सकते हैं, अब बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी इस ट्रिप को बहुत इजीली तरीके से ट्राई करेंगे, आपका बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट नहीं है। अब बच्चे अगर नहीं भी खाना चाहें ना, तो बहुत इजीली तरीके से बच्चे इसको खा सकते हैं, तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप भी एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका काम भी आसान होगा
और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है, तो बहुत इजी और आसान तरीका है। मैंने दो कैप ट्राई किया है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी जो मेडिसिन की कैप आती है एल्युमिनियम का, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा सा छोटा पार्ट निकलेगा। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं इतना वेस इसमें एक्स्ट्रा निकला है, उसमें थोड़ा सा छोटा। अब देखिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, और थोड़ा सा इसको जब तिरछा करेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से ये पार्ट निकल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से टिप और एंट्रिप के जरिए कुछ, अगर आप सभी को इसमें से टिप अगर ज़रा सा पसंद आता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम एप्पल देते हैं हस्बैंड को ऑफिस वगैरह के लिए देते हैं, बच्चे को स्कूल के लिए देते हैं, एप्पल तो बिल्कुल इजी बात है। मतलब आजकल स्कूल से ऐसे मैसेज आते हैं कि बच्चों को फल तो देना ही देना है, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चों को फल वगैरह काट के दें ये एप्पल, तो आपने देखा होगा काला पड़ जाता है। बस पानी में डाल के एक से दो बूंद इसमें विनेगर डालिए, आप इस एप्पल को चाहे हस्बैंड को ऑफिस दीजिए, चाहे बच्चों को स्कूल दीजिए, ये जो सेब है आपका बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और लंबे समय तक के बिल्कुल ऐसी वाइट सफ़ेद पड़ा रहेगा। अब देखिए जो इस तरीके का बटवा होता है, पर्स होता है, क्या होता है, हम सभी के लिए एक सोचते हैं कि जब तक इसका रनर सही है हम सोचते हैं कि हमारा काम चल रहा है। जब इसका रनर ख़राब हो जाता है, किसी को जो हाउस वाइफ बिगनर रहते हैं उनको इतना नहीं पता रहता है। तो अब देखिए मैं दो ट्रिक बता रही हूँ कि पहली बात तो अगर आपका ये चैन जो फ्री हो चुका है तो सबसे पहले आपको मोम ले लेना है, मोम को इसके ऊपर लगा लेना है। अगर मोम लगाने के बाद भी अगर इसमें कुछ डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है तो मैं आगे भी बताऊँगी कि मुझे इसको क्या करना है। दोस्तों हमारा बैग नहीं ख़राब होता है और हमारे बैग का चैन नहीं ख़राब होता है, और हमारे बैग का बैग नहीं ख़राब होता है, चैन नहीं ख़राब होता है, हमारे बैग का रनर ख़राब होता है। अब देखिए ये जो मोम है ना, मैंने नीचे भी अच्छी तरीके से लगा दिया है। इसको एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं तो इसका ये जो रनर जो पकड़ के बंद करते हैं इसको रनर बोलते हैं, ये फिर मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखिए कुछ ही फ्री लग रहा है तो मैं अब सोच रही हूँ कि एक पकड़ के हेल्प से इसको मैं थोड़ा सा टाइटली दबाती हूँ। अब देखती हूँ कि अगर ये ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे रनर जो है कि दूसरा चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं रनर आप सभी के सामने लगा के दिखाऊंगी कि ये रनर लगाने के बाद ये बैग हमारा कितना अच्छा सा क्यूट सा बन चुका है। अब देखिए ये जो पकड़ है, ये पिलास भी ले सकते हैं, इस तरीके से नोक वाली पकड़ है, तो इसकी हेल्प से भी आप ये जो रनर होता है ना इसको बहुत इजीली तरीके से आप दबा सकते हैं। अब देखिए ये दबा तो है नहीं, रनर ख़राब था, ये टूट चुका है। तो हम सब क्या सोचते हैं कि हमारा बैग ख़राब हो चुका है, रनर वाले भैया जो घूमते हैं उनसे लगवा लें। दोस्तों वो इतने महंगे पैसे लेते हैं, इस तरीके का रनर आप अपने घर में लगाइए। बस ये रनर टूट चुका है और कटर से थोड़ा सा एक से दो धागा यहाँ से काटिए, और काटने के बाद अब देखिए घर में रनर एक माह दुकान पर जाएंगे तो अगर दर्जन के हिसाब से लेंगे तो एक रुपये का एक रनर मिलेगा। आराम से ले आके आप अपने घर में रख दीजिए, और जब भी कभी रनर ख़राब हो जाता है तो बस इसी तरीके से आपको रनर को बस यहाँ से हल्का सा कटिंग करके रनर को निकाल लेना है और दूसरा जो रनर है इसके अंदर पहना देना है। देखिए किनारा को पकड़ते हुए अब बहुत इजी तरीके से इसको मैं निकाल रही हूँ, अब दिखा भी रही हूँ आपको कि बहुत इजीली तरीके से इसके अंदर चला भी जाता है। और दोनों तरफ का ये जो चेन है ना मुझे बराबर प्रेस करना है ताकि ये दोनों तरफ हल्का सा पकड़ में आ जाए, तो इसको पीछे के साइड से पकड़ते हुए ये जो रनर है ना मुझे इसको ऊपर चढ़ा लेना है। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको चढ़ा लिया है। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल ही रनर परफेक्ट हो चुका है, ये बैग का जो चेन है बिल्कुल ही ओके हो चुका है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, एक रनर की वजह से हम अपने पूरे बैग को ख़राब कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी बैग को नहीं फेंकिएगा, इसका चेन जो है दांत वाला वो ठीक रहता है, बस इसका बैग का ही रनर ही ख़राब होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिप है, आप सभी को अगर ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, बराबर करते हुए और अब क्या करना है, सुई में धागा डाल लेना है, और धागा डालने के बाद एक किनारे पर मुझे थोड़ा सा ना इसको अच्छी तरीके से इसको टाक लेना है ताकि ये बाहर ना निकले, क्योंकि रनर को जब हम अंदर बाहर बंद करते हैं ना तो ये जो रनर है ना ये बाहर के साइड आ जाता है, तो इस तरीके से निकल भी सकता है। तो बस सुई में धागा डाल के इसको दो चार टाके लगा देना है, इससे क्या होगा कि
आपका ये जो रनर है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और रनर आपका बिल्कुल बैग नया हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा ट्रिप अगर आप सभी को ज़रा से भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए मेरा ये रनर लग चुका है, अब मैं इसको खोल के बंद करके दिखाती हूँ आपको कि कितना बढ़िया ये बन चुका है। अभी रनर को मैं थोड़ा सा चैन को अंदर से प्रेस कर देती हूँ कि देखने में पता ना चले। तो अब देखिए मैं इसको खोल के बंद करके दिखा रही हूँ, फिर भी अगर मोम लिए हैं तो इसको एक बार दोबारा अप्लाई इस रनर के चैन के ऊपर कर दीजिए। रनर के ऊपर नहीं करना है, चैन के ऊपर कर देंगे खोलने में खुद ही अच्छी तरीके से अपना काम करता रहेगा। तो देखिए मैंने साइडों में भी कर दिया है या जो फ्रंट है इसके ऊपर भी कर दिया है। अब इसको कैसे भी इस्तेमाल कीजिए, ये बिल्कुल भी आपका ये बैग नहीं ख़राब होगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इस ट्रिक को आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ले लीजिए चश्मा। चश्मा दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे चश्मा मेरा काफ़ी पुराना है और चश्मे का ये जो कवर है ना, ये कलर चश्मे का कलर ये उतर रहा है कहीं कहीं से। मेरे घर में चश्मा कोई नहीं इस्तेमाल करता। अब देखिए ये पेंट भी छूट रहा है जगह जगह से। तो आज मैं ये जो चश्मा है मैं आज इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो क्यों ना इस तरीके का जो चश्मा रहता है उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो मैं जो चश्मा है चाहे तो ऊपर वाला पार्ट काट भी सकते हैं और मैंने डबल टेप ले लिया है। डबल टेप को अच्छी तरीके से इसको अटैच करते हुए या तो इसके शीशे पर लगा लीजिए डबल टेप, या तो किनारे किनारे भी लगा सकते हैं। अब देखिए दो एक से दो पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको कटिंग करते हुए मैं दोनों तरफ कांच के ऊपर लगा ली हूँ। अब चलिए इसको मुझे कहाँ हैंग करना है इसको हैंग भी कर लेते हैं। अब हैंग करने का तरीका आप चाहे इसको टाइल्स पे या फिर दरवाजे के पीछे, इसको कहाँ कहीं भी जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ हैंग कर दीजिए। तो देखिए मैं किचन के दरवाजे के पीछे करी हूँ। अब इसमें होता है ना कभी कभी चाबी वगैरह हैंग कर दीजिए या फिर आपकी चुन्नी वगैरह है तो उसको भी हैंग कर सकते हैं, और भी छोटे मोटे चीज़ें जो भी है आप इसको हैंग कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ज़रूरत जब पड़ता है तो हमें ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं मिलती हैं, अब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, दिक्कत भी होती है। तो दोस्तों जब आपके घर में चश्मा ख़राब है तो दो से तीन इस तरीके से आप लगा सकते हैं, हैंग नहीं है तो ये हैंग का काम करेगा और भी और तरीके से ये काम करेगा। तो दोस्तों आज का ट्रिप में आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा है। तो इस ट्रिप में अगर कोई सा भी ट्रिप पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हमारे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दो से तीन चार मैंने चुन्नी को इस पे इसके ऊपर हैंग करा हुआ है। तो अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा है, देखने में लग रहा है। अगर जिसके घर में मतलब हैंग वगैरह नहीं है, जगह स्पेस कम है तो इस ट्रिक को दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा स्टिक आपसे पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस दिन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।